एक बार फिर आपका वेलकम है और आज हम नए टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। हमने अब तक काफी सारी जो बायोमेडिकल टेक्निक्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया था और आज फिर हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो भी रिलेटेड है बायोमेडिकल टेक्निक से। ठीक है, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अल्ट्रासाउंड, या जिसको आप दूसरे नाम से भी जानते हैं और आप इसको बोलते हैं क्या, सोनोग्राफी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो अल्ट्रासाउंड है यानी कि जो सोनोग्राफी है ये क्या है। अब तक हमने जितनी भी मशीन्स पढ़ी हैं उन मशीन्स के अंदर हम किसी ना किसी वेव्स का हम यूज कर रहे थे, यानी कि तरंग का। उसी तरीके से यहां पर भी हम कुछ तरंगों का यूज करते हैं और जिन तरंगों को हम यूज करते हैं यहां पर पॉइंट बना के लिखता जा रहा हूं, जिसको अपन बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। एक्चुअल में इसमें जो तरंग यूज होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, बात यहां पर ये आती है एक्चुअल में कि जो ये अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं ये किस तरीके से वर्क करती है। इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को हमारी बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है और वहां से टकराने के बाद में जो वापस से जो आती है प्रतिध्वनि, इसको आप इको बोलते हैं, उन इको को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करके हम एक्चुअल में उसकी इमेज जो है वो लेते हैं। जनरली अगर मैं बात करूं तो जो बैट्स होते हैं यानी कि जो चमगादड़ है वो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। जब वो उड़ते हैं उस समय वो कॉन्टिन्यूअस अल्ट्रासोनिक वेव्स को वहां पे रिड्यूस करते रहते हैं एंड द रिजल्ट इज जो वहां से सामने से टकरा के अल्ट्रासोनिक वेव या इको उनके पास में जो पहुंचती है उसके बेस पे वो जज करते हैं एक्चुअल में कि उनको डायरेक्शन कब और कितने टाइम के बाद में चेंज करनी है। तो मींस कहने का ये है कहीं ना कहीं पर कि अल्ट्रासोनिक जो वेव्स है इसका यूज काफी जो है फील्ड में या नेचुरली भी होता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स के अंदर अभी आपने जैसे फर्स्ट आपने डिस्कशन किया कि बेसिकली 20 किलो हर्ट्ज या मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, और बेसिकली मोर देन 20 किलो हर्ट्ज की अगर मैं बात करूं दैट इज नॉट अ ऑडिबल साउंड फॉर द ह्यूमंस, यानी कि मनुष्य जो है वो इसको नहीं सुन सकता है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि हमको कभी भी अल्ट्रासोनिक जो वेव्स है वो हमको सुनाई नहीं देती है, दैट इज नॉट अ ऑडिबल पार्ट फॉर द ह्यूमंस। यहां तक बात अपनी क्लियर है। अल्ट्रासाउंड जो है ये अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही चीप इन प्राइस, ठीक है, और बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि पेनलेस, यानी कि किसी भी तरीके का जो दर्द है ना, वो एक तरीके की इसमें मेडिकल टेक्निक है, पेनलेस टेक्निक। यहां तक बात ठीक है। अल्ट्रासाउंड के जो यूजेस हैं वो काफी सारे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में अल्ट्रासाउंड को जो क्रिएट किया जाता है, क्रिएट, ठीक है, अल्ट्रासाउंड को जो क्रिएट किया जाता है वो एक मेथड से किया जाता है, इसको अपन बोलते हैं एक्चुअल में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और इनको जब यहां पे क्रिएट किया जाता है तो एक्चुअल में लेड जिर्कोनेट के जो क्रिस्टल है उसका भी हम वहां पर यूज करते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है जिसको अपन बोलते हैं एक्चुअल में दाब विद्युत प्रभाव, और दाब विद्युत प्रभाव के थ्रू हम इसको यहां पे डेवलप करके और अपनी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कंडक्ट कराते हैं। मान लीजिए किसी भी एक कैंडिडेट के ऊपर हम सोनोग्राफी कर रहे हैं, अभी हम इसके बाद ये पढ़ेंगे इसके यूजेस क्या है, लेकिन मान लीजिए हम किसी भी कैंडिडेट पर सोनोग्राफी जो है वो कर रहे हैं तो उसका एक शॉर्ट मेथड क्या रहेगा। जैसे मान लीजिए एक अपन ने यहां पे बात की कि अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स थी वो आपने उसकी बॉडी में एंटर कराया, यानी कि टिश्यू ऑफ द बॉडी, अब उसकी बॉडी के अंदर वो चले गए हैं, अंदर जाने के बाद में टकराकर वो वापस आएंगे तो आपको एक चेन मिलेगी और जिसको आप बोलते हैं चेन ऑफ इकोस, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं प्रतिध्वनि, इकोस को, जो वहां से आपके पास में इकोस आए हैं उनको एक युक्ति जिसको बोलते हैं अपन ट्रांसड्यूसर, और ट्रांसड्यूसर जो इसे कन्वर्ट कर देती है कन्वर्ट इन
इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक वेव्स और कन्वर्ट करने के बाद दे आर लिंक्ड विद मॉनिटर, कंप्यूटर के साथ में अटैच होते हैं और मॉनिटर पे आपको कुछ पिक्चर्स जो है वो वहां पर विजिबल होती है। और बेसिकली इस टाइम पर जो हमको पिक्चर दिखती है दैट इज द टू डायमेंशनल मतलब कि द्विविमीय। तो मींस कहने का ये है कहीं ना कहीं पर कि एक्चुअल में आप यहां पर इस चीज को समझ सकते हैं भी प्रॉपरली कि बेसिकली अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में अल्ट्रासोनिक वेव एंटर कराई जाती है, एंटर कराने के बाद में जो अपने बॉडी जो है उसको वो एब्जॉर्ब करती है टिश्यू ऑफ द बॉडी आपके शरीर के उत्तर, उसके बाद में चेन ऑफ इक्वल उससे टकरा कर जो वापस से आपको जो चेन मिली है आप उसको ट्रांसड्यूसर के थ्रू कन्वर्ट करते हैं द इलेक्ट्रिकल वेव्स एंड आफ्टर देन मॉनिटर के अंदर विजिबल होगा। जो इमेजेस आपको मिलेंगी वो मिलेंगी क्या टू डायमेंशनल, ठीक है यहां तक बात। एक चीज और आती है इसमें जिसको अपन बोलते हैं सोनोग्राम। सोनोग्राम क्या है? सोनोग्राम में जनरली जो इमेज है, ठीक है, जनरली जो इमेज है उस इमेज की जो फोटो आपको जो स्क्रीन पर यानी कि जो पर्दे पर जो दिख रही है दैट इज नोन एज द सोनोग्राम, ठीक है यहां तक बात। अब डिस्कशन यहां पर यह होता है कि मान लीजिए अगर इस तरीके से प्रोसेस जो है अगर ये होता है तो इससे किसी तरीके की हार्मफुल कंडीशन हमारे पास में क्रिएट होती है या नहीं। देखिए वेव्स किसी भी तरीके की हो कहीं ना कहीं अगर आप उसका कॉन्टिन्यूअस यूज कर रहे हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल 101% हो सकती है। अब यहां पर डिस्कशन ये होता है कि अल्ट्रासोनिक जो वेव्स है इसका हम यूज किस फील्ड में कर सकते हैं, कहां पर इसका जो फील्ड है यूज जो है वो ज्यादा होता है। देखिए ठीक है, फील्ड की अगर अपन बात करें नंबर फर्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में लिंग निर्धारण, मतलब कहने का यह है कि बेसिकली जो गर्भाशय में जो बच्चा जो है यानी कि जो बेबी है अभी जो बेसिकली अभी न्यू बॉर्न बेबी होने वाला है वो बॉय है या गर्ल है, यानी कि उसका सेक्स डिटरमाइन करने के लिए कि एक्चुअल में वो लड़का है या लड़की है उसका पता लगाने के लिए इस मशीन का बहुत ज्यादा यूज हुआ। और इतना ज्यादा यूज हुआ कि बेसिकली जो रेशियो बिटवीन द बॉयज एंड द गर्ल्स दे आर कॉन्टिन्यूअस डिस्टर्ब। एज अ रिजल्ट सोनोग्राफी के इस तरीके के प्रोसेस पे जो कोर्ट है उसने प्रॉपर एक बैन लगा दिया कि अगर कोई भी हॉस्पिटल या किसी भी तरीके के जो कैंडिडेट है उस मशीन के थ्रू अगर बॉय एंड गर्ल का जजमेंट करते हैं दैट इज टू मच हार्मफुल और उनको एक प्रॉपर पनिशमेंट मिलने का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सेकंड जो प्रोसेस आता है इसमें आपके अगर मान लीजिए किसी भी तरह की गॉल ब्लैडर या बेसिकली जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें अगर किसी भी तरीके की अगर मान लीजिए स्टोन है तो उस स्टोन का भी आप इसके थ्रू पता जो है वो लगा सकते हैं। थर्ड फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल, अगर उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो उसका भी आप जजमेंट कर सकते हैं। फोर्थ बेसिकली जो प्रेग्नेंट लेडी है उस प्रेग्नेंट लेडी की बेसिकली जो डिलीवरी है वो कैसी है, मतलब कि अगर नॉर्मल है या नहीं है उसके बारे में भी पता हम इसके थ्रू इजीली लगा सकते हैं। तो मींस कहने का ये है कि जनरली अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जो है इसका अगर अपन ज्यादातर यूज की अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं पर प्रेगनेंसी में इसका जो है वो ज्यादा यूज किया जाता है। देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पर जनरली बहुत सारे जो टेस्ट है वो टेस्ट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो किए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ जो टेस्ट ऐसे हैं जिनको हम जो मेजरली किए जाते हैं किसी भी एक प्रेगनेंसी के टाइम पर, ठीक है यहां तक बात। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं जैसे कि नंबर फर्स्ट, ठीक है, जैसे कि अपन यहां से ले रहे हैं नंबर फर्स्ट
जिसको आप बोलते हैं ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ये बेसिकली टेस्ट किया जाता है स्टार्टिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, यहां तक बात। सेकंड जो है वो होता है स्टैंडर्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे अल्ट्रासाउंड। स्टैंडर्ड अल्ट्रासाउंड जो है ये जो ग्रोथ है चाइल्ड की कैसी है, यानी कि उसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, उस टाइम पर हम इसको करते हैं। थर्ड जो है उसको अपन बोलते हैं एडवांस्ड अल्ट्रासाउंड, और एडवांस अल्ट्रासाउंड को तब किया जाता है जब किसी तरीके का डाउट, ठीक है, रिलेटेड टू चाइल्ड जब हो, उस टाइम पर ये जो टेस्ट किया जाता है कि मान लीजिए किस तरह का पेन हो रहा है एक्सेस फीमेल को या चाइल्ड के अंदर कोई अच्छा मूवमेंट नहीं है, तो उस टाइम पर इसको जो है किया जाता है, ठीक है। फोर्थ होता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड, देखिए डॉपलर इफेक्ट भी होता है, डॉपलर प्रभाव, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट क्या है? डॉपलर इफेक्ट मान लीजिए एक रिसोर्स है और एक लिसनर है, यानी कि एक स्रोत है और एक श्रोता है, यानी कि सुनने वाला है। अगर यहां से मैं कोई भी एक साउंड भेजता हूं तो साउंड की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी से उस श्रोता को लिसनर को कम या ज्यादा वो चीज ऑब्जर्व होती है, सुनाई देती है, दैट इज नोन एज द डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। और डॉपलर इफेक्ट के थ्रू आप ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट की उस प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप इसके बारे में पता लगा सकते हैं। फिफ्थ आता है 3D इमेज, ठीक है। इस टेस्ट तक आते आते यानी कि कुछ समय के बाद में जो प्रेगनेंसी है वो होने वाली है कुछ टाइम के बाद में, तो 3D इमेज जो है वो एक्चुअल में फोटो ऑफ द चाइल्ड, उस बच्चे का जो इमेज है उसको लेने के लिए कि एवरीथिंग इज नॉर्मल और नॉट, ठीक है। सिक्स जो है उसको बोलते हैं अपन 4D, और 4D जो है ये डिलीवरी के टाइम पे, यानी कि अगर मान लीजिए वो सिजेरियन है होगा या नॉर्मल होगा, उस टाइम पर ये सिचुएशन जो है वो देखी जाती है। अगर किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन जो है अगर क्रिएट हो रही है उस समय, तो आप बोल सकते हैं ऑन डिलीवरी टाइम, ठीक है। जो फिफ्थ आता है इसको अपन बोलते हैं बेसिकली पेटा इको कार्डियोग्राफी, ठीक है। इको कार्डियोग्राफी जो है ये एक्चुअल में अगर बात करें तो हार्ट की पोजीशन को, ठीक है, किसको बेसिकली हार्ट की जो पोजीशन है, एग्जामिन ऑफ द हार्ट, तो मींस कहने का ये है कि एक्चुअल में कहीं ना कहीं पर आप ये सब चीज समझ सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड के अंदर जो बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं उन टेस्ट का सीक्वेंस बहुत सारा है। जैसे जैसे आजकल हमने टेक्नोलॉजी ग्रोथ की है, हमने टेस्ट का जो मेथड है वो भी यूज कर लिया है डिफरेंट मेथड पर, बट मेजरली जो टेस्ट का जो स्टेप है जो फॉलो किया जाता है मेजरली, अगर अपन कॉमन की बात करें तो वो ये टेस्ट जो है वो वहां पर क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो ये सोनोग्राफी के बारे में आपने एक प्रॉपर डिस्कशन किया है, आई होप आप इसको प्रॉपर नोट डाउन कर लें, और किसी भी अगर आप एग्जाम बेस पे से बैठते हैं इस टॉपिक के बेस पे तो आपको जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक में से मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको पढ़ते रहें, और अभी हमारा एक बहुत जल्द एक वीडियो आने वाला है वैल्यू ऑफ एजुकेशन, कि जो बच्चे ऑनलाइन जो फैसिलिटी है उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं वो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत जल्दी आ जाएगा, उसको आप जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।